हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम फिर से एक नया प्रैक्टिकल लेके आ गए हैं आपके लिए एक्सेल की शीट में। आज हम लोग एक्सेल की शीट में बनाएंगे सेल्स रिपोर्ट। आज हम आपको एक्सेल की शीट में सेल्स रिपोर्ट बनाना सिखाते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। पहले चलते हैं एक्सेल की शीट पर, एक्सेल। ओके, ये हमारा एक्सेल ओपन हो रहा है। एक सेकेंड, वन सेकेंड वेट प्लीज़। ये हमारा एक्सेल ओपन हो चुका है। ये हमने ब्लैंक शीट ले लिया। ओके, अब इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, को अच्छे से दिखाई दे। ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं। ओके, लगभग हम 5 शीट को मर्ज कर लेते हैं। उसके बाद अगर कुछ होगा तो बाद में सेट कर लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे सेल्स, सब कैपिटल में किए देते हैं। सेल्स रिपोर्ट, सेल्स रिपोर्ट डेटेड, सेल्स रिपोर्ट डेटेड। लगभग कितने डेट की? हम बनाते हैं लगभग 23 सितंबर, सितंबर 23 सितंबर 2022। ओके। चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। इसको सेलेक्ट करें, थोड़ा सा बिग कर देते हैं। नहीं, ये सही नहीं है। इतना काफ़ी है। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। पहले हमको इसका नेम रखना है। पहले हमको डालना है सेल्स मैन का नेम। ठीक है, पहले हम सेल्स नेम मैन का नेम डालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सेल्स मैन नेम। ओके, पहले हम सेल्स नेम मैन का नेम डालते हैं। ठीक है, डबल क्लिक करने से वो अपने आप जूम हो जाएगा। ठीक है। ओके, अब यहाँ पे डालते हैं प्रोडक्ट, प्रोडक्ट। ठीक है। अब उसके बाद हमको डालना है क्वांटिटी, QTY, इसका शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं। ओके, फुल फॉर्म है इसका क्वांटिटी। ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे रेट। ठीक, उसके बाद लिखेंगे टोटल, टोटल। ठीक है, इसमें हम डालेंगे टोटल अमाउंट। ठीक है। अब सेल्समैन का नेम डालते हैं, जैसे कि संदीप कुमार। ठीक है, संदीप कुमार में डबल ई भी लगा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद संदीप कुमार के बाद हम यहाँ डालेंगे सुधीर मोहन, सुधीर मोहन। ओके, उसके बाद हम यहाँ डालते हैं आशीष शर्मा, आशीष शर्मा, आशीष शर्मा। उसके बाद हम डालते हैं राजा वर्मा, राजा वर्मा। ठीक है। उसके बाद डालते हैं धीरज, धीरज त्यागी, धीरज त्यागी। ठीक है। उसके बाद डालेंगे दीपक कुमार, दीपक, दीपक कुमार। ठीक है। उसके बाद डालते हैं अभी, अभी शर्मा। ठीक है। उसके बाद डाल देंगे सनी राज। ठीक है। उसके बाद डाल देते हैं राजेश, राजेश शर्मा। ठीक है, हमारे हिसाब से इतने काफ़ी हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हमको लिखना है प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे लक्स, यहाँ लिखते हैं निर्मा, मतलब हमको घर का सामान लिखना है। ठीक है। यहाँ देख देते हैं व्हील, व्हील निर्मा का नाम है। ठीक है। उसके बाद लिखते हैं टाइड, ये भी निर्मा है। उसके बाद फिर से लक्स। ठीक है, फिर निर्मा। ठीक है। उसके बाद व्हील, टाइड, उसके बाद लक्स। ठीक है। अब उसके बाद हमको डालनी है क्वांटिटी। ठीक है, तो क्वांटिटी पहले लक्स की क्वांटिटी डाल देते हैं 50। ठीक है, लक्स की क्वांटिटी डाल देते हैं 50, एंटर। ठीक। उसके बाद 60, उसके बाद 70, फिर 55, 75, 80, 85, 65 एंड लास्ट 42। ठीक है। उसके बाद इनका रेट लिखना है। ठीक है, तो लक्स का रेट लिख देते हैं 1500 रुपये,
25 रुपये, 40 रुपये, 45 रुपये, 15 रुपये, 25 रुपये, 40 रुपये, और यहाँ लिख देते हैं 48 रुपये। 48 लिखना है यार, 48, ठीक है। उसके बाद यहाँ लिख देते हैं 15, ठीक है। अब हमको निकालना है टोटल, ठीक है। तो टोटल निकालने के लिए यहाँ हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे, इक्वल, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। फिर इनटू का साइन लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अलग अलग जाके क्लिक करना है, और शिफ्ट के साथ 8 दबाओगे तो उसमें इनटू का साइन लग जाएगा, ठीक है। एंटर कर दो, ठीक, आ गया। फिर से ट्राई करते हैं, इक्वल, इस पर क्लिक, इनटू का साइन, ठीक है। फिर इस पर क्लिक, पहले रेट पे क्लिक करेंगे, फिर क्वांटिटी पे, ठीक। फिर एंटर करेंगे, ठीक, आ गया। एक बार फिर ट्राई करते हैं, इक्वल, 40 पे क्लिक, उसके बाद इनटू का साइन, 70 पे क्लिक, एंटर, ठीक है। अब डायरेक्ट इनको सेलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। सेलेक्ट करके इनको ड्रैग कर देते हैं, ठीक है, आ गया। तो ये आपका आ चुका है टोटल, ठीक है। उसके बाद हम चाहते हैं कि यहाँ पे आ जाती टोटल क्वांटिटी और लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा टोटल क्यू टी वाई, ठीक है, टोटल क्वांटिटी, ठीक है। यहाँ पर हमको टोटल क्वांटिटी निकालनी है, तो इसके लिए फॉर्मूला है इक्वल, इक्वल के बाद लग देते हैं सम, ये ब्रैकेट ऑन करेंगे, ठीक है। और डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक ड्रैग करके सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट ऑफ एंड एंटर, ठीक है, आ गया टोटल, ठीक। इसको फिर से ट्राई करके दिखाते हैं हम आपको, ठीक है। इक्वल का साइन, ठीक है, फिर लगाएंगे, लिखेंगे सम, फिर ब्रैकेट, ठीक है, शिफ्ट के साथ 9 दबाएंगे तो ब्रैकेट आ जाएगा। उसके बाद इसको सेलेक्ट करेंगे पूरा, ठीक है, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ठीक, शिफ्ट के साथ 0 दबाने से ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, फिर एंटर, आ गया, ठीक है। अब उसके बाद हम चाहते हैं टोटल प्राइस भी आ जाए, ठीक है। तो इस लिखेंगे टोटल, टोटल, टोटल की स्पेलिंग गलत हो गई, टोटल प्राइस, ठीक है। अब टोटल प्राइस निकालना है तो क्या करेंगे, ठीक, इसका भी यही फॉर्मूला है, इक्वल, फिर लिखेंगे सम, ठीक है, फिर शिफ्ट के साथ 9 तो ब्रैकेट ऑन हो जाएगा। उसके बाद इसको सिलेक्ट करेंगे सब, ठीक है, फिर ब्रैकेट ऑफ एंड एंटर, ठीक है। तो ये हमारा आ चुका है लगभग, ठीक है। अब इसमें कलर भर देते हैं हमारे हिसाब से, इसको सेलेक्ट करेंगे, और इसमें हम भरेंगे इसमें ब्लैक, और वर्ड का कलर येलो, ठीक है। और इसको सेलेक्ट करके हम डायरेक्ट इसको इधर कर देते हैं, ठीक है, इसमें भी कलर कर दें। ओके, इन सब में एक ही कलर कर देते हैं, कोई भी कलर जो हमको अच्छा लगेगा वो हम अपने हिसाब से, आप जो ही चाहो आप अपने हिसाब से कोई भी कलर कर सकते हो, ठीक है। ये कलर हमको अच्छा लग रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ यहाँ पे भी आप अपने हिसाब से जो कलर करना चाहो कर सकते हो, उसमें किसी की कोई रोक टोक नहीं है, आप जो चाहो अपने हिसाब से कर सकते हो। तो हम यहाँ पे कर देते हैं रेड, और यहाँ पे वाइट, नहीं हेलो, हाँ ठीक है, ओके। अब यहाँ पे फुल सेलेक्ट करके इसमें हम लगा देंगे बॉर्डर, इसमें हम करेंगे ऑल बॉर्डर, उसके बाद थिक ऑल बॉर्डर, ठीक है। उसके बाद इसमें भी बॉर्डर ऐड कर देते हैं, ठीक। इसके बाद हम इसमें भी बॉर्डर ऐड कर देते हैं, ठीक है, ये हो गया, ठीक। तो ये हमारी, हमने आपको सेल्स रिपोर्ट बनाना सिखा दिया है, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया हो, ठीक है। तो अगर आप ऐसे इंटरेस्टिंग और भी प्रैक्टिस शीट और भी प्रैक्टिकल सीखना चाहते हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।